अनंत वहां वो न्याय करते थे, ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे, के यहाँ है, उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को देखा है जहाँ आतंक का राज चलता था और जंगल राज चलता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। अनंत सिंह न्याय करते थे, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ये बातें ललन सिंह अनंत सिंह को लेकर कह रहे हैं। तारीफ के पुल बांध दिए हैं ललन सिंह अनंत सिंह का, क्या क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। यह पूरा इलाका तो अनंत बाबू का इलाका है, यहाँ तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहाँ आए थे, तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था, इसलिए आज हम आपके बीच आए। लेकिन हम आप एक बात हम आपसे कहने के लिए आए, जरा याद करिए, नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले का याद करिए। नया नौजवान लड़का सबका तो वो दिन नहीं देखा है, ये नया नौजवान लड़का जिसका 25 साल 30 साल उम्र हुआ है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो 6 साल 7 साल का था, तो इसको तो कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को देखा है जहाँ आतंक का राज चलता था और जंगल राज चलता था, कोई शाम के बाद निकलना नहीं चाहता था, बहू बेटी तो खास करके शाम के बाद नहीं निकलना चाहती थी, कहीं सड़क नहीं था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, बिजली के नाम पर कहीं कहीं अगर तार था तो उसमें बिजली नहीं आती थी, उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे, काहे कि लाइन तो आना ही नहीं था, और भूले भटके कभी अगर लाइन आ गया तो लोग इतना खुश होते थे जैसे लगता था कि घर में दिवाली मना रहे हो, आग लो बिजली, आग लो बिजली, आग लो बिजली। और जब चला जाता था तो कभी कोई सोचता भी नहीं था कि कहिया बिजली। तो आपने सुना कि ललन सिंह जो है वो अनंत सिंह के लिए जो है तारीफ की पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्याय करते रहे हैं, और यही वजह है कि लोग जो हैं इनको इतना प्रेम करते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो अभी 25-26 साल का है वो नहीं जानता है 2005 से पहले क्या था, तो उनको यह भी बताना चाहिए कि आखिर अनंत सिंह पर इतने मामले दर्ज क्यों हुए, 2005 से पहले वो क्या करते थे और किन वजहों से उनको पैरोल पर निकलना पड़ा, आखिर क्या वजह है कि वो जेल में हैं। और आप देखिए कि ये वही ललन सिंह हैं, कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था कांग्रेस के टिकट पर, जिसका बदला लिया गया और अनंत सिंह को जो है वो सलाखों के पीछे डाला गया, स्पीड ट्रायल करा के उनको सज़ा दिलाई गई और आज उनके लिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं। काफ़ी आश्चर्य होता है ऐसी बातें देखकर। एक समय आप उनको अपना दुश्मन नंबर एक मानते थे, लेकिन आज आपको वोटों की ज़रूरत है तो आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव के बाद फिर से जो है तनातनी हो जाए, संबंध खराब हो जाए। तो आपको ललन सिंह का बयान देखकर क्या लगता है, क्या ललन सिंह सही बोल रहे हैं, ललन सिंह जो हैं वो अनंत सिंह को लेकर वाजिब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लेकर कमेंट करें, ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।